लापता 267 स्वरूप के मामले में बैंस ने कमिश्नर को दी शिकायत। बैंस की मांग, दोषियों विरुद्ध मुकदमा हो दर्ज। एसजीपीसी और अकाली दल को बताया जिम्मेदार। एसजीपीसी के सदस्य और लुधियाना से विधायक बलविंदर सिंह बैंस ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 267 स्वरूप गुम होने के मामले में अमृतसर कमिश्नर पुलिस को एक शिकायत दी। शिकायत में मांग की कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने इस मामले में सीधे तौर पर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैंस ने कहा कि उन्हें डर है कि इस मामले में और देरी करने से कहीं बाबर कलां जैसा कांड दोहराया ना जाए। 267 स्वरूप जेड़े के घट है गए है, असी कहने लापता है गए है। क्यों लापता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सब तो पहली ड्यूटी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा संभाल ते रखवाली करनी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सब तो पहला काम है। और अज ये पता लग्या कि 267 स्वरूप घट है, मिसिंग है, 267 स्वरूप लापता है जे मैं आ गल कह। पर दुख तो अफसोस है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का पावन स्वरूप कदे भी कोई एक बंदा लैके नहीं जा सकता। सिद्धांत अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक मोटर वहीकल तैयार की हुई है जिदे च ड्राइवर पांच सिंह ते श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप पूर्ण मर्यादा अनुसार जिथे पहुँचाने हो उत्थे पहुँचाए जाते हैं। तो यह मतलब है भी गुरु ग्रंथ साहब के पावन 267 स्वरूप किते ना किते तो पहुँचाए गए हैं। तो जे वो किसी गलत हाथों चले गए ये लुकाउण दी, क्योंकि 2016 की गल आ अज नंगी हुई है। तो जे ये 2016 तो लैके अज तक जो अकाली दल की सरकार सी, सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी और उन्हों का बेटा सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा वह गृह मंत्री सी, ते जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी है। और जे श्रोमणी अकाली दल जिहड़े ये कहिंदे आ कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाली पार्टी है, तो फिर जे वह नहीं बोले उन्होंने राज भाग के सारा कुछ होया, उन्होंने राज भाग च बरगाड़ी कांड होया, उन्होंने राज भाग में कोट कपूरे वाला कांड होया, उन्होंने राज भाग में 267 स्वरूप लापता हो गए, फिर बोलूगा कौन? और दुख तो अफसोस है कि सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां नूं वी इस गल का ज्ञान है और सैकटरी साहब नूं इस गल का, सारे आला अधिकारियों इस गल का ज्ञान हैगा। पर कोई बंदा राजनीति दे प्रेशर थले बोलन नूं तैयार नहीं। ये तो कमलजीत सिंह हुण जदों रिटायर होए तो उन्होंने ये गल कही गई कि तुहाडे पीएफ चों पैसे कट ले जाणगे, तां वो बोलिया। अदरवाइज जे उहदे पैसे ना कट दे तो शर्मिंदगी है, सिर नीवा हुंदा। 2016 दा ये मुद्दा चलिया आ रहा, हुण 2020 हो गया, 4 साल बाद ये मुद्दा क्यों उठिया? पहला श्रोमणी कमेटी नूं पता है, सब नूं पता सी। नहीं, मैं गुरु नूं हाजिर समझ के कहना कि साडे नोटिस विच ये गल नहीं सी, क्योंकि ये प्रेशर पाया गया सी कि ये गल इत्थे ही दब दिओ, ये गल दा किते रिकॉर्ड भी नहीं हैगा। ये तो हुण कमलजीत सिंह ने रिटायर होके बोलिया और मैं समझदा कमलजीत सिंह भी बराबर दा सह दोषी है कि उन्हें रिटायरमेंट जिदन होया उदन बोलिया। उन्हूं चाहिदा सी कि जदों ये सारा भाणा वापरिया उन्हूं उदों बोलना चाहिदा सी। ते अज असीं कमिश्नर साहब नूं मिलन लई आए हैं, उन्हां नूं कहा कि इस मामले ते, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 267 पावन स्वरूप लापता होण नाल हरेक सिख दे हिरदे नूं ठेस लगी है, ते असीं आ कहण लई आए हैं कि एक FIR दर्ज करके ये सारे कांड की इनकुआरी की जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाए ता कि दोषियों नूं सज़ा दी जा सके। और मैं अज ये गल कहना चाहना कि जे प्रॉपर इनकुआरी ना हुई कल कल्ला नूं किते श्री गुरु ग्रंथ साहब का निरादर होया तो इहदा मतलब है कि उहदे विच सीधे तौर पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, क्योंकि जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण होंदी है साल बाद तां उह आ के रात रुकदे है, उदों उन्हां कोले टाइम हुंदा है, क्योंकि उदों लिफाफे चों प्रधान कढ़ना हुंदा। पर अज
आ किन्ने दिन हो गए कमलजीत सिंह नूं बोले नूं, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल कुछ बोले है इस इशू ते, ना सुखबीर सिंह बादल कुछ बोले है। और होर भी दुख है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान लौंगोवाल साहब भी कोई अखर नहीं बोले। इस करके सानू मजबूरी बस असी कमिश्नर साहब ने एक दरखास्त दे के चले हैं, और जे इहदी इनकुआरी ना हुई, मन विच एक डर ते खदशा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब वाला बरगाड़ी कांड किते दोबारा ना वापर जाए। 267 स्वरूप इन्हां दी इनकुआरी डेफिनेटली होनी चाहिए है।